जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी चैप्टर 4 इनकम टैक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन में लगभग जब भी एग्जाम होंगे इसके पेपर में यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड ज़रूर मिलेगा। इसकी प्रॉब्लम हम क्वेश्चन नंबर वाइज 8-9 तक बना चुके हैं, यानी 8वां और 9वां पिछली वीडियो में आपके पास जा चुकी है। और क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि प्रश्न संख्या 10 को अब हम सॉल्व करने चल रहे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको बता दें, जिस स्टूडेंट ने अभी तक धीरे सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स ही नहीं अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो की अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। जो बच्चे कॉमर्स साइड से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन चैनल हमने बनाया है, पढ़ाई के उद्देश्य से ही ये चैनल है। इसमें आलतू फालतू कोई चीज़ हम इसमें आपको दिखाते नहीं हैं, ना ही अपलोड करते हैं। यह चैनल पूरी तरह से एजुकेटेड चैनल है, एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है और इसमें तमाम वही चीज़ों को हम सब्जेक्ट वाइज आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके शैक्षणिक प्रावधानों और शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन लेकर आगे बढ़ते हैं। इसमें जब हम आपके सामने प्रश्न को दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ मिस्टर राम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22, इस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले एक ऐसा फॉर्मेट बेहतरीन तरीके से मेंटेन करना होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, अगर आपके क्वेश्चन 22-23 है तो आप यहां पर 22-23 असेसमेंट ईयर डालेंगे, अगर 23-24 है तो 23-24 लिखेंगे। अब सोचो ये असेसमेंट ईयर कहाँ लिखा होता है, ये क्वेश्चन के लास्ट में लिखा होता है जहाँ पर प्रॉब्लम पूछी जाती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द अबव डिटेल कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर, ये रहा असेसमेंट ईयर, इसी ईयर को हमें यहाँ पर लिखना होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में 22-23 है तो 22-23 लिखेंगे, अगर 23-24 है तो 23-24 लिखेंगे। अब इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये है कि इसमें सबसे पहले पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इन तीन कैटेगरी में प्रश्न पूछा गया है। रेसिडेंट यहाँ पे है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इन्हीं लेबल्स पर हमें मेंटेन करना है सॉल्यूशन अपना। इसमें सबसे पहले चार पॉइंट्स यानी चार हेडिंग ऐसे लिखनी होगी जिसमें हमें रकम को भरना होगा। पहली हेडिंग है इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त हुई रकम या प्राप्त हुई समझी गई रकम। दूसरा है इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, भारत में कमाई हुई या कमाई गई समझी गई रकम। तीसरा है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस एंड और कंट्रोल फुली और पार्टली फ्रॉम इंडिया एंड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, भारत के बाहर बिजनेस से यानी व्यापार से कमाई गई रकम हो और उस व्यापार का कंट्रोल पूरी तरह से या आंशिक तौर से भारत से जरूर हो रहा हो। अगर प्रोफेशनल इनकम है तो भी विदेश से हो, परंतु उस प्रोफेशन जो प्रोफेशन है उसका सेटअप यानी उसकी जो दुकान है, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो इंडिया में होना चाहिए। चौथी हेडिंग है भारत के बाहर एक्रूड हो और रिसीव्ड भी भारत के बाहर है तो वह इस हेडिंग में आएगा। अगर इस हेडिंग में आता है तो सिर्फ इसमें रेसिडेंट वाला ही टैक्सेबल होगा, यानी इसका रकम सिर्फ पहले कॉलम में डालेंगे। बिजनेस प्रोफेशन वाली को सिर्फ दो जगह डालेंगे, भारत में एक्रूड यानी उपार्जित और उपार्जित हुई समझी गई रकम तीनों में, और भारत में प्राप्त हुई रकम भी तीनों हेडिंग में डालेंगे। अब प्रश्न को समझेंगे और एक एक करके इसकी रकम को भरते हुए चलेंगे। सबसे पहली हेडिंग के हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त हुई रकम है लेकिन ये प्रॉफिट बिजनेस का है और ये
पाकिस्तान का यानी विदेश का है, लेकिन इंडिया में प्राप्त होते ही ये 1 लाख रुपए फर्स्ट वाली हेडिंग में यानी यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया। तो 1 लाख रुपए को हम तीनों में डाल देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का अगला पार्ट है, प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लंदन रिसीव्ड इन इंडिया 20,000 रुपये, इसमें भी रिसीव्ड इन इंडिया है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन इंडिया। दो रकम हमने यहाँ पर राइट कर लेना है, दोनों हमने यहाँ पर भारत में प्राप्त हुई रकम आ चुकी है। तीसरा क्वेश्चन का हिस्से में आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, वहीं पर आई हुई है, मतलब रकम कमाया गया है और वहीं पर प्राप्त भी हो गया। तो विदेश में कमाना और विदेश में पाना ये चौथी हेडिंग में आता है और ये एक ही जगह लिखा जाएगा 20,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख कर राइट मार देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इस्टैब्लिश्ड इन USA, इसके बाद डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, दिस बिजनेस इज कंट्रोल इन इंडिया, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹2 लाख वाज रेमिटेड टू इंडिया। क्वेश्चन के मुताबिक रेमिटेड, ब्रॉट, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक बात बोला गया है कि ये जो बिजनेस है ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला जो रकम होता है वो इसमें आता है, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया वाला जिसमें बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो यहाँ पर आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 4 लाख रुपए पूरे पूरे यहाँ डाल दिया जाएगा। इसके बाद आता है इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन USA, जब एक्रूड इन इंडिया है तो ये दूसरे में चला जाएगा जो कि एक्रूड इन इंडिया वाला है, यानी ये वाली रकम। तो 40,000 रुपये यहाँ पर आएंगे और एक्रूड वाली रकम तीनों कॉलम आती है तो हम तीनों में लिख देंगे। इसके बाद आता है प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन लखनऊ, लखनऊ का बिजनेस का इनकम है तो लखनऊ तो इंडिया में ही है तो यही कमाई जा रही, तो ये भी इसी में आ जाएगा, यानी ये भी ओके, ये भी ओके हो गया। इसके बाद है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, भारत का एग्रीकल्चर इनकम करमुक्त है, एग्जम्प्टेड है, उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन विदेशों की इनकम तो लिखना होगा। ये एग्रीकल्चर इनकम इंग्लैंड से है और ये पूरी तरह से एजुकेशन पर खर्च हुआ है बच्चों के लंदन में ही। अब क्योंकि नियम में खर्च करने से तो कोई मतलब है ही नहीं, कमाने और पाने से मतलब है, तो ये विदेश में कमाया है, विदेश में ही खर्च हुआ है, तो कमाना और पाने का काम 1 लाख रुपए विदेश में हुआ है, तो ये लास्ट में ही आएगा चौथे में, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 लाख रुपए जो कि पहले यानी कि पहले वाले कॉलम में ही आएगा, आगे के दोनों कॉलम में ये नहीं आएगा। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसके बारे में ये एग्जम्प्ट है, यानी इसकी कोई एंट्री कहीं भी नहीं होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लगभग सारी एंट्री कर दिया है। अगर हम इसका टोटल करें नॉन रेसिडेंट का, तो नॉन रेसिडेंट वाले में 1 लाख और ये 20,000, तो 1,20,000 और ये 1,60,000 और ये हो गया 2,80,000, यानी 1,20 जोड़ दिया तो 2,80 आ गया। यहाँ तक 2,80 है तो इसमें 4 और जुड़ गया 6,80 हो गया, 6,80 हो गया, अब 6,80 में 1,20,000 और जुड़ गया तो ये हो गया 8 लाख, यानी इसका जो जवाब है 8 लाख, 6,80,000 और 2,80,000 है। तो इसका आंसर मिलाते हैं तो 8 लाख, 6,80 और 2,80 हमारा जवाब है, जो कि टोटल टैक्सेबल इनकम हो चुका है। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग से, और एक एक करके हमने इसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है और ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश्ड हो चुका है। अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है मिस्टर रवि शंकर, जो कि इन्होंने अपनी फॉलोइंग डिटेल दी है। इनकी भी टैक्सेबल इनकम 3 केसेज में है, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ऐसे ही हम हेडिंग जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में तैयार किया था ऐसे इसमें भी तैयार करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला है सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, यहाँ भी 40,000 रुपये की रकम रिसीव्ड इन इंडिया की कंडीशन को पूरी करता है। तो इसका मतलब है जब हम इस फॉर्मेट में इस रकम को भरेंगे तो यहाँ पर रिसीव्ड इन इंडिया वाला पहला ही हेडिंग होता है, इसकी रकम तीनों में टैक्सेबल होती है। तो सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, तो हम इसमें 40,000 रुपये यानी 40,000 को तीनों कॉलम में डाल देंगे।
इसका मतलब होता है एक्रूड वाली जो रकम होती है वो तीनों में आती है, मतलब रिसीव्ड वाली और एक्रूड वाली दोनों ही। ये रही एक्रूड, भारत की एक्रूड रकम और भारत की रिसीव्ड तीनों में आएगी। विदेशी इनकम जो कि भारत में ही, भारत में मतलब भारत से बाहर कमाया गया हो, बिजनेस से कमाया हो, प्रोफेशन से कमाया हो, लेकिन बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो, तो वो दो में आएगी, यानी कि रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी वाले में। और विदेश में कमाना और विदेश में पाना सिर्फ पहले में यानी रेसिडेंट में ही आएगा। इस सवाल में मुझे लगता है ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बहुत फास्ट ही सॉल्व होगा ये। तो पहला सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया 40,000 वाली कंडीशन तो आपने यहाँ देख ही लिया है, ये पहले में ही आ जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका प्रॉफिट फ्रॉम ए होटल इन ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया तो विदेश में है तो इसका मतलब ये चौथे में आएगा, तो यहाँ पर आएगा इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 60,000 रुपये, ये आ गया, ये पहले कॉलम में ही आएगा। डिविडेंड डिक्लेयर इन अमेरिका बट रिसीव्ड इन इंडिया, ये पहली कंडीशन को पूरी कर रहा है यानी भारत में प्राप्त होने वाली, तो रिसीव्ड इन इंडिया, डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडिया, ये तीनों में डाल दिया जाएगा क्योंकि ये भारत में रकम प्राप्त हो गई है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ये भारत में ही कमाई गई है लॉन्ग टर्म एसेट्स 40,000 रुपये की, तो ये सेकेंड में आएगी भारत में कमाई हुई वाले में, इनकम एक्रूड इन इंडिया में, ये तीनों में आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास जो रकम है वो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और नीचे 60,000 भी हो गया। इसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉन रेसिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर ए बिजनेस कैरिड इन इंडिया, जिस व्यक्ति को लोन दिया है उसको कहा गया बिजनेस वो कहाँ चलाएगा, इंडिया में, तो जब वो बिजनेस इंडिया में करेगा तो इंडिया में कमाया हुआ हो गया, तो जब इंडिया में कमाया हुआ हो गया तो इंडिया में कमाई हुई रकम सेकेंड में आती है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो कि लोन भारत में कमाई हुई रकम से प्राप्त हो रहा है, तो भारत में एक्रूड हो रहा है, यानी कि इनकम भारत की धरती पर कमाया हुआ, जनरेट किया हुआ है। रॉयल्टी रिसीव्ड इन जापान फ्रॉम मिस्टर पी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर ए बिजनेस कैरीड ऑन इन जापान, इसमें रॉयल्टी मिल रही है, जापान का मिस्टर पी है वो रेसिडेंट इंडियन है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड किया गया लेकिन वो बिजनेस कर रहा है विदेश में, ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो विदेश में अर्निंग हो रही है जापान में ही प्राप्त हो रहा है, और उस बिजनेस बंदे को पैसा जो खर्च करके बिजनेस कर रहा है वो भी जापान में कर रहा है, तो ये 20,000 रुपया पूरी तरह से विदेशी इनकम है, इसको हम चौथे कॉलम में डालेंगे 20,000 रुपये। रॉयल्टी रिसीव्ड इन जापान फ्रॉम टेक्निकल सर्विस देयर, यानी वहीं पर ही ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड किया गया। इस प्रकार से सारी हेडिंग हमारी यहाँ पर एक एक करके जो भी हमारी प्रॉब्लम थी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसका टोटल करेंगे तो 40,848 और ये 50, 98,000 हो गया, इसका भी 98,000 ही आएगा। अब इसमें 98 में 80,000 और जोड़ेंगे तो 1,78,000 आ जाएगा, तो इसका जो जवाब है 178,998 ये रहा। इसके बाद इसको अगर देखेंगे एक तरफ से शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तो आपके सामने इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों हो चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे तो ये इनकम है मिस्टर इंद्र गोपाल की। तो पहला पॉइंट है इसमें इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, तो नेपाल तो विदेश हो गया तो ये तो चौथे में आएगा, ये रकम है 60,000 रुपये। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वही पूरा फॉर्मेलिटी वाला हिसाब किताब पूरा आपको लिख देना है, कंपोटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, उसके बाद है ऑफ मिस्टर इंद्र गोपाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 या 22-23 जो भी ईयर आपको मिलेगा वो लिख दीजिएगा। पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम यहाँ लिखेंगे, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रुपीज का साइन लगा देंगे। इसके बाद ये हेडिंग हो गई इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड वाली, एक्रूड वाली, बिजनेस वाली और विदेशी वाली। तो ये जो अभी इनकम हमने पढ़ा है ये विदेशी वाली है, यानी विदेश में ही कमाना, विदेश में पाना, चौथा हेडिंग ये रहा। और ये रहा इनकम एग्रीकल्चर वाली नेपाल में।
इसका सेंटेंस है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। हमने यहाँ पर फ्रॉम नहीं लिखा है, तो आप लोग जो है फ्रॉम लिख देना भाई, गलती हो गई है यहाँ पर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है हेडिंग, आपको यही वाली लिखनी होती है यहाँ पर, आपको नरेशन कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही नाम डाल देना है, रकम ये भर देना है सामने वाला। जो इसमें मेन चीज़ है वो है टोटल कैसे होगा और कौन सी रकम कहाँ पर जाएगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट, शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म पार्टनरशिप फर्म की इनकम नहीं आती है, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेडिंग में चली जाती है, इसलिए रजिस्टर्ड फर्म का इनकम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। डिविडेंड फ्रॉम हिंडाल्को कंपनी, हिंडाल्को भारत में कंपनी है ये, 3,000 रुपये अपने धरती पर कमाया हुआ रकम है भारत में, तो यहाँ पर लिख देंगे डिविडेंड फ्रॉम हिंडाल्को कंपनी, 3,000 रुपये तीनों कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि हिंडाल्को कंपनी का डिविडेंड इंडिया में ही मिल रहा है, इंडिया की कमाई हुई धरती पर है, क्योंकि कमाया हुआ बताया है, रिसीव्ड तो नहीं लिखा गया है रिसीव्ड इन इंडिया, तो रिसीव्ड इन इंडिया होता तो यहाँ पहुँच जाता, अब कमाया हुआ है तो इसलिए कमाई हुई वाली हेडिंग में चला गया, कमाई हुई तीनों में ही आती है। इसके बाद है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कुवैत, लेकिन ये भारत में प्राप्त हो रहा है, यानी भारत में प्राप्त होने वाला, बेशक ये कुवैत में नौकरी किया है लेकिन इंडिया में प्राप्त होने की वजह से ये जो रकम है 29,400 ये फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये वाली रिसीव्ड इन इंडिया वाली सिचुएशन को पूरी कर लेगा, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश लिमिटेड टू इंडिया, द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये तो बिजनेस कंट्रोल वाला हो गया, 30,000 रुपये दो जगह आएगा, बिजनेस कंट्रोल इंडिया वाला ये रहा हेडिंग थर्ड वाली, इसमें दो जगह रकम हम भरेंगे 30,000 रुपये। इसके बाद है इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट 30,000 रुपये, बैंक डिपॉजिट से रकम बांग्लादेश में, बांग्लादेश तो विदेश हो गया, तो विदेश में कमाना और विदेश में पाना दोनों काम विदेश में हो गया, 30,000 यहाँ आएगा बांग्लादेश वाली रकम चौथी हेडिंग में, यही चौथी हेडिंग ही विदेशी वाली हेडिंग होती है। इसके बाद आता है सातवां पॉइंट है इसका, इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कुवैत, तो भारत में तो एक्रूड हो ही गया है ये 15,000 रुपया, तो सेकंड में आ जाएगा, ये रहा इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कुवैत, ये आ गया। सेंटेंस लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखेंगे, इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कुवैत, ये एक्रूड इन इंडिया वाली हेडिंग है, और इसमें हम एक्रूड इन इंडिया वाली हेडिंग में ही भारत में कमाई हुई रकम भर देंगे। अब इस प्रकार से हमने सारी हेडिंग को पूरा कर लिया। अब हम पहले नॉन रेसिडेंट का टोटल करते हैं, तो नॉन रेसिडेंट का टोटल 29,332 और 15 47,400 रुपये, 47,400, 30 और जोड़ देंगे 77,400, 30 जुड़ गया, अब इसके बाद 90 और जोड़ देंगे 1,67,400। इसका आंसर चेक करने पर पता चलता है 1,67,400 ये रहा, 77,400, 47,400, ओके आंसर मैच हो चुका है। इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर कहाँ से सीखा, 10 सीख लिया, 11 भी सीख लिया और 12वां भी सीख लिया है। 12वां शुरुआत से देखेंगे तो इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन हुआ है, हम लास्ट में इस प्रकार से दिखा देते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर मान लो इसको लिखना चाहे तो वो इस प्रकार से वीडियो को ब्रेक कर करके आगे बढ़ा बढ़ा करके आराम से लिख लेगा।